हेलो माय ऑटो फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पे आज बना रहे हैं खाना जो मेरे दो दो बहू रानी होते हुए भी बनाना पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, थोड़ा सा बनाना है। इसलिए कि दिन में बना था यहाँ पर, ये हम सुबह बनाए थे करेला और आलू का भुजिया, और यहाँ पर बना था पत्ता गोभी और मटर का, लेकिन काफ़ी इसमें तेल है तो थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, गार देंगे। तो ये बना है तो इसको गर्म कर दिया है। सब्जी इस समय नहीं बनाना है क्योंकि काफ़ी सब्जी है। और यहाँ पे दाल बना था जो कि दाल फ्राई इतना सारा है तो इस समय तो खाएंगे लो नहीं, दाल गर्म कर दिया है। और यहाँ चावल है जो दिन में बना था वो चावल है, तो इससे भी काम चल जाता है, लेकिन रोटी बनाएंगे थोड़ा। और ये कल का चावल है, इसको अब आज हटा देंगे, रात में बना था इसको हट जाएगा। तो अन्न को ज़्यादा बर्बाद नहीं किया जाता है, इसलिए इसी अन्न के लिए हमारे हस्बैंड या हमारे गार्जियन पेरेंट्स बाहर पहाड़ पे जाते हैं और विदेश में जाके बहुत कठिन काम करते हैं। और वो क्या करते हैं कि वहाँ बहुत तरह का परेशानी होती है उन लोगों को, दुबई सऊदी चाहे बाहर कहीं भी कोई कंट्री में जाता है काम करता है तो वहाँ जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग महिलाओं को चाहिए कि घर में जो भी चीज़ होता है उसको बेकार ना करें और बना के उसको खा जाए और गर्म करके खा जाए। तो चावल तो ऐसे लोग कहता है गर्म करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं। दो चार गो रोटी बना दे रहे हैं इनके पापा के लिए, तो वो खा लेंगे थोड़ा सा, दो गो रोटी और चावल मिला के वो भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। तो चावल हम खाते नहीं हैं, हमको दिन में भी चावल हमको अच्छा नहीं लगता है, रोटी ही खाते हैं। रात में चावल खाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि फेंकाएगा नहीं तो हम अब किसी तरह उसी को खाएंगे, चावल सब्जी खा लेंगे। तो यहीं पर रंग देते हैं और लेके चलते हैं आप लोगों को दिखाने। यहाँ आटा इतना सुना गया है जो कि काम करने वाली आई थी तो बिना हमको दिखाए आटा इतना गूंथ के चल गई है। तो कल सुबह इसका आलू भर के पराठा बनाएंगे और आप लोगों को उसका रेसिपी भी मिलेगा देखने के लिए। तो थोड़ा सा रोटी बना ले रहा है जल्दी से और बना के तब आप लोगों को फिर दिखाएंगे। इतने से ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे रोटी, बस चार लोइया ही लेंगे। यहाँ देखिए, और हम क्या करते हैं ना गैस की, अभी इधर आप लोग का वीडियो शूट कर रहे थे तब तक देखिए यहाँ दूध थोड़ा सा गिर गया, तो इसको अभी साफ करेंगे, चूल्हा गंदा नहीं रहेगा। हम एक ही बार में लोइया काट लेते हैं, तो किसको किसको ऐसा होता है कि एक बार में ही लोइया, आपको जितना रोटी बनाना है उतना हम काट लेते हैं तब बनाते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ छः रोटी का हो गया काम, बस इतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। तो आज ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है, पहले साफ करते हैं दूध को। और दूध कहते हैं ना कि चोर होता है, अगर आप इसका ध्यान लगाए रखेंगे तो नहीं गिरेगा, और थोड़ा सा इधर उधर आँख हुआ कि पलक झपकते गिर जाता है। तो अभी हम इसको देख रहे थे तो नहीं गिरा हुआ था, जैसे आप लोग का वीडियो को देखने लगे शूट करने लगे तब तक ये गिर गया, तो पोछ दिए साफ कर दिए और छोड़ देते तो ये जल जाता। हमको ऐसा नहीं पसंद है, किसी को नहीं होता होगा। तो अब यहाँ चल रहे हैं रोटी बनाने, तवा हम चढ़ा हुआ दिए हैं, यहाँ पर मेरा तवा गर्म हो गया। चौकी लाएंगे खरीद के और उसी पे रोटी बनेगा, तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बन भी जाएगा। थोड़ा बिना आदत का होता है तो बेलना घुमाने में ही लगता है। हेलो आप लोगों मेरे चैनल, और आज खाना पीना बन गया, नाश्ता बन गया है, खाना बाद में बनाएंगे दिन में। तो सुबह सुबह बनाया है आलू भर के पराठा,
और मड़ुआ का लिट्टी और सब्जी आलू का पत्ता गोभी का बनाया है। लेकिन आप लोगों को देखने से पता नहीं चलेगा कि मेरा किचन में खाना बना है। और अभी तक तो मनीषा आई नहीं है ना, सचिन आए हैं तो उन लोगों के लिए नहीं खाना बनाया है, हम अपने और इनके पापा के लिए बना लिए हैं नाश्ता। वो भी करके चले गए हैं, नाश्ता कर लिए हैं और अब हम अपने लिए भी रखे हैं। तो कहीं हो सकता है कि सचिन आएंगे तो उस समय भुजिया वगैरह चाहे कुछ बने, तो इसलिए हम कम बनाए हैं सब्जी, केवल इनके पापा और अपने लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि आलू भर के पराठा के साथ हमको चाय बहुत अच्छा लगता है, तो अपने लिए चाय भी बना रहे हैं और अब नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके तब आप लोग के लिए वीडियो डालेंगे। और कपड़ा भी धुल के बहुत सारा रखे हैं, तो फिर आज धूप निकला है तो उसको भी डालना है, तो अभी जा रहे हैं। यहाँ आप लोग को दिखा रहे हैं। तो गाइस, तो आज ये किचन है और किचन का रेक आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रखे हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, आटा थोड़ा सा सान के रखे हैं कि अगर खाना गर्म गर्म बनाएंगे। और यहाँ चोखा रख दिए हैं, यहाँ आटा है और इसमें बर्तन है, तो हम इसको अच्छे से ढक देंगे, जब खाना होगा तब बनेगा। और आज चावल नहीं खाएंगे, लो चावल कल खाए हैं लो तो मन भर गया है चावल से। तो यहाँ पे बनाए हैं मड़ुआ का लिट्टी जो कि भर के, तो यहाँ देखिए यहाँ पे बना है और इसमें आलू का भी पराठा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए तो दो बचा हुआ है, तो जिसको खाना होगा, अगर सचिन आ जाएंगे तो वो खा लेंगे, नहीं तो गरम बना के दिलाएगा। तो इसको ढक्कन लगा दे रहा है। और सब्जी यहाँ पे थोड़ा सा बचा है तो वो रखे हैं सब्जी। तो आप लोग किचन देखने से पता नहीं चलेगा कि मेरे किचन में खाना बना है, और वही खाना और लोग बनाते हैं तो पूरा फैल जाता है। तो हम सोचते हैं कि साफ सफाई से खाना बनाओ, आदमी जब जब भी आए बर्तन धोने तो उसको भी दिक्कत नहीं हो। और यहाँ मेरा चाय बन रहा है, देखिए इसमें दूध है, गर्म कर लिया है, यहाँ भी दूध है गर्म कर दिया है। और इसमें गर्म पानी करके रख दिया है, चूँकि इस किचन में लाइट नहीं आ रहा है, लाइट का कोई प्रॉब्लम हो गया है, ये बोर्ड भी उखड़ गया है तो इससे पानी नहीं गर्म होगा, तो हम डब्बा में गर्म कर लिया है पीने के लिए। और यहाँ बर्तन भी सब देखिए सब सहार दिए हैं, अच्छे से सब ठीक से कर दिए हैं बर्तन। अब कोई आएगा तो चम्मच नहीं खोजना पड़ेगा, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ सारे कटोरी इसमें अंदर रख दिए हैं छुपा कि गंदा नहीं पड़े। और यहाँ कप सब रख दिए हैं, यहाँ ये फाइबर का बर्तन है मेरा और ये खंदा वाला, और ये साफी भी फिज के इस पर डाल दिए हैं, और एक यहाँ डाले हैं धो के, और एक ये भी है वो भी है। तो सब बहुत सारा कपड़ा है लेकिन सब छूने का मन नहीं करता है, तो ये सब कुछ गर्म पानी से धुले हैं सरफ डाल के। तो किसको किसको ऐसा लगता है कि गर्म पानी से साफ हो जाता है साफी, और खाना बना कर एक साफी रखो खाना बनाओ, दूसरे साफी फिर धुल लो उसके बाद से फिर बनाओ, तो अच्छा रहता है छूने में। तो चलते हैं, अभी चाय बन गया है मेरा, तो चाय लेकर जा रहे हैं आलू का पराठा से खाने। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। बाय। आज तो अभी मनीषा आ गई और इसके बेड पे हम सोए थे, तो देख लीजिए गई साड़ी में आ रही है सूट पे। जाना तो कान का कहाँ गया? कान का निकाल दिए हैं, एक कान का छूट गया। यहाँ पर ही आ गए मम्मी, चार्जर गिर गया, गिरने तो गिर गया। अच्छा लगा? कैसा क्या लगा? जाके तुम बिना नहाए पूजा कर लिए? हम नहीं गए थे मंदिर, खाली टीका किया है। टीका कर दिया बस।